नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएड में एग्जाम दिए, बीएड में एंट्रांस का जो एग्जाम दिए उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना मैं लेकर के आया हूं। जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग लिस्ट में नाम है, जिन अभ्यर्थियों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है उन सभी के लिए तो ठीक है, और मैं जिनका नाम नहीं आया है फर्स्ट लिस्ट में, मैं उन सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। तो मैं उस सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग चिंता ना करें, आप सभी का भी काउंसलिंग होना निश्चित है, क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग होगा उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि आप लोगों का भी सीट रहने पर काउंसलिंग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर, मैं आपको बता दूँ अभी मैं आपके इस वेबसाइट पे हूँ, और डिस्टेंस वाले कई सारे डिस्टेंस वाले अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर मेरा क्या होगा, हम लोगों को कुछ नहीं बता रहे हैं। तो मैं उन सभी को बता दूं कि अभी तक नालंदा विश्वविद्यालय के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डिस्टेंस वालों के लिए कुछ न्यूज नहीं दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रकाशित किया गया है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो रही है आप लोगों को बताने में। कि आप लोग जब न्यूज आ जाएगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने रखने की। तो देख रहे हैं आपके सामने जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो वेबसाइट खुला हुआ है उस पर देखिए, आप अभी तक कुछ नहीं दिया गया है, नया नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। रेगुलर मोड के लिए मैं बता दूँ कि रेगुलर मोड में जो फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ था वो फर्स्ट लिस्ट में आपका कटअप था। अनरिजर्व जनरल के लिए 60 कटअप है, शेड्यूल कास्ट के लिए 36 कटअप है, एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए है 47 है, बैकवर्ड क्लास बीसी के लिए है 54 है, उसके बाद है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए है मतलब ईबीसी के लिए है 44। अभी तुरंत हमसे एक अभ्यर्थी पूछे थे कि 55 मार्क है उनका और मेरा एडमिशन हुआ कि नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ मार्क है वो 44 ही है, आपका निश्चित तौर पे एडमिशन हो जाएगा। आप चेक करें, आप निश्चित तौर पे आपका काउंसलिंग डेट होगा आ गया होगा। बैकवर्ड WBC का है, वुमेन बैकवर्ड क्लास का है 45, उसके बाद है दिव्यांग का है 36 है, सर्विस मैन का है 36 है। आप देख सकते हैं इतने सारे अभ्यर्थी हैं, सबसे ज़्यादा जनरल में है, उसके बाद है जनरल में 18,082 है, उसके बाद एससी में है 5379 है, उसके बाद है एसटी में है 347 और बीसी में है 4209, उसके बाद ईबीसी में है 6279 और डब्ल्यूबीसी में है 1091 और दिव्यांग जन में है 961 और सर्विस मैन में है जो है 92 है। तो टोटल मिला के जो है 36,440 विद्यार्थियों का काउंसलिंग होना है फर्स्ट लिस्ट में। उसके बाद नीचे लिखा गया है, देखिए प्रथम काउंसलिंग के बाद अगर रिक्त स्थान खाली रह जाता है तो उसके बाद सेकंड लिस्ट भी आवश्यकता अनुसार लिया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। ये फर्स्ट लिस्ट का कटअप है, दूसरे कटअप के लिए आप इंतजार करें, निश्चित तौर पे होगा। ये कटअप निकलने का संभावना होगा 11/8/2018 के बाद निकलने की संभावना होगा, क्योंकि जब इसमें एडमिशन हो जाएगा इतने अभ्यर्थी का उसके बाद ही ये लिस्ट सेकंड लिस्ट जारी कर सकता है। इसके बाद देखा जाएगा कि सेकंड लिस्ट में कितने तक लेता है, निश्चित तौर पे बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा इसमें। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग यही बताने वाला था कि आप सेकंड लिस्ट भी निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा, आप लोग चिंता ना करें, बशर्ते कि आप सारे डॉक्यूमेंट का व्यवस्था कर लें जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप उस वीडियो का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब देख सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि जो लोग अभ्यर्थी जो जिसका काउंसलिंग होना है फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है, वो सभी अपना कॉलेज लिस्ट और जिन सभी कॉलेजों का मान्यता प्राप्त है उन सभी का मान्यता प्राप्त जिस कॉलेज का है उस सभी का आप देख सकते हैं। आप NCT का वेबसाइट है, NCT का वेबसाइट है, उस पर आप देख सकते हैं कि आपका कॉलेज कौन सा मान्यता प्राप्त है, आप निश्चित तौर पे उसमें देख लें और कॉलेज का जो चुनाव करें, जो अपने घर से नज़दीक वाले कॉलेज का चुनाव करें, क्योंकि उसमें क्लास करने और अन्य सारे कई सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अच्छा रहेगा। उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं NCT का वेबसाइट है, आप यहां से देख सकते हैं, यहां डेटाबेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के तहत आप लोग यही बताने वाला था कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज का चुनाव करें, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों का मान्यता सेम है, बशर्ते कि उस कॉलेज का मान्यता NCT से प्राप्त होना चाहिए, यही मेन है। इसी के तहत आपका कॉलेज
जो है सो रिकॉग्नाइज होता है और मैं वो बीएड करने के कराने के लिए सक्षम होता है। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पे यहीं से आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से जब आप बिहार में क्लिक करेंगे, इस राज्य से हैं, मैंने बिहार से हूँ तो मैं बिहार से क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पूछेगा आपको कि किस कॉलेज से किस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। तो बीएड है, मैं न्यू बीएड के लिए क्लिक करूँगा, ना कि वहाँ पे। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे लिस्ट आ गए हैं मेरे सामने। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें जैसे कि मैं फाइंड कर सकता हूँ, जैसे मैं मधुबनी का हूँ तो मधुबनी का जैसे कॉलेज को फाइंड कर सकता हूँ। MADHUBA, देखिए मिलर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मान्यता प्राप्त है या नहीं है, रिसीव्ड ऑर्डर लिखा गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मधुबनी में कितने सारे कॉलेज है, 10 के शायद 10 जगह खोजा गया है। देखिए ये 10 ठो कॉलेज तो नहीं है मधुबनी में, लेकिन है तो पर भी बहुत सारे हैं, देख सकते हैं आप। ऐसे करके आप खोज सकते हैं, जैसे रामकृष्ण कॉलेज है, राजकीय कॉलेज मधुबनी है, जैसे प्राइवेट भी है, इसका प्राइवेट ही है। जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज जैसे खोजना चाहेंगे तो गवर्नमेंट के लिए आप खोज सकते हैं GOV। देखिए गवर्नमेंट जब भी लिखेंगे हम तो GOV, देखिए कितने जगह खोजा गया है। देख सकते हैं आप, देखिए 10 कॉलेज खोजा गया है, ऊपर से ही देख सकते हैं आप। ये उसके बाद है इधर गवर्नमेंट कॉलेज है, लगभग बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप निश्चित तरीके से देख सकते हैं। देखिए एक यहाँ पर है भागलपुर में है, एक है यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज छपरा में है, एक यहाँ पर है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा में भी एक है, लगभग लगभग डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं इसी लिस्ट में आपका, इसी लिस्ट से आप कॉलेज का चुनाव करें। इस लिस्ट के चुनाव करने पर, इस लिस्ट जब आप चुनाव करेंगे तो निश्चित तरीके से आप अच्छे कॉलेज चुन पाएंगे। मैं इस वीडियो के तहत इतना ही बताने वाला था, जैसे ही मैं हमको कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोगों को सूचित करूँगा। तो आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे इस चैनल पे कई प्रकार के वीडियो, कई प्रकार के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। आगे आपको बीएड जो करने जा रहे हैं आप, उससे रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट और कई सारे कोर्स से रिलेटेड आपको भी इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।